ज़ाहिर पीर से आज हम जा रहे हैं कोट मिठन शरीफ, जो कि तकरीबन 20 to 25 किलोमीटर की ट्रैवलिंग है। ज़ाहिर पीर से जैसे निकलते हैं तो चाचण शरीफ पहुंचने से पहले रास्ते में ये आती है पंजनद कैनाल। अभी हम क्रॉस करने लगे हैं चाचणा शरीफ को, लेकिन ठहरें, चाचणा शरीफ से गुजरते हुए यहाँ की देसी खालिस मिठाई टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम रुके और कुछ देर के लिए यहाँ पर रेस्ट किया और यहाँ की खालिस बर्फ़ी टेस्ट की है। चलें जी, बर्फ़ी वगैरह तो हमने टेस्ट कर ली है और अभी हम निकल रहे हैं चाचणा शरीफ से कोट मिठन की तरफ। और अभी एंटर होने लगे हैं इंडस रिवर साइड एरियाज़ में। ये तकरीबन इंडस रिवर की जो विड्थ है वो 19 किलोमीटर की है चाचणा शरीफ से कोट मिठन। साइट एरियाज में काफ़ी सारी बस्तियां हैं जहां लोग रहते हैं और इनका ज़्यादातर जो पेशा है वो जानवर पालना है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो मेरे बैकग्राउंड में ये जो आपको एक लेक नज़र आ रही है, तो कोट मिठन में ये वाटर लेक नहीं है, दरअसल ये कोई झील नहीं है। दरअसल ये इंडस रिवर के वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो ब्रिज और रोड बनने की वजह से क्लोज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है उल्टी डायरेक्शन से पानी आके यहाँ खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पर, और एक लगता ऐसे है जैसे कोई पानी की एक बहुत ही खूबसूरत झील है। एवरी ईयर जो है जुलाई के मंथ में इंडस रिवर का पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फ्लो ओवर हो जाता है, और कोट मिठन के अक्सर इलाके जो है ना, जो दरिया के अंदर कच्चे के इलाके हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। तो मेरी बैक साइड पर यही वो एरिया है जो तकरीबन पानी से मुकम्मल एरिया डूब चुका है, और ये घर भी अब दरिया के अंदर हैं। लेकिन ये लोग उठते नहीं हैं, बस हल्का सा पानी इन घरों के इर्द गिर्द भी खड़ा रहता है। कोट मिठन में जंगल का एक झुंड जो अभी तक भी मौजूद है, इसे रख कहते हैं। ये मेरी बैक साइड पर आप देख रहे हैं। तो बहावलपुर से लेकर सिंध तक दरअसल ये वादी मुकम्मल इस जंगल पर मुश्तमिल थी हिस्ट्री में। तो अभी इस जंगल के कुछ झुंडी बाकी बचे हुए हैं, एक बहावलपुर में है और एक यहाँ पर कोट मिठन में मौजूद है।
कोट मिठन की रौनक की एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो कि मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी यहाँ पर मज़ार है। तो मेरी बैक साइड पर ये मज़ार पे मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ के कुछ सीन्स हम देखते हैं। मेरा इश्क भी तुम, मेरा यार भी तुम, मेरा दीन भी तुम, ईमान भी तुम, मेरा जिस्म भी तुम, मेरा रूह भी तुम, मेरा कल्ब भी तुम, जिंद जान भी तुम, मेरा जिक्र भी तुम, मेरा फिक्र भी तुम, मेरा ज़ौक भी तुम, वजदान भी तुम, मेरा सांवल मिठड़ा शाम सलोना, मनमोहन जानान भी तुम, मेरा धर्म भी तुम, मेरा भरम भी तुम, मेरा शर्म भी तुम, मेरा शान भी तुम, मेरी मेहंदी कजल मुसाग भी तुम, मेरी सुर्खी बीड़ा पान भी तुम, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तुम, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़कातां सौम सलात अजान भी तुम, मेरा मुल्क मलहीर ते मारो थलड़ा रूही चोलिस्तान भी तुम, जे यार फरीद